नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा टेंडर सबमिटेंस, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सबमिट करने में। तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट था लेबर हिस्टोग्राम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये लेबर हिस्टोग्राम क्या है और वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या क्या हमको जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले लेबर हिस्टोग्राम एक बार चार्ट है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अगर हमको मैन पावर या फिर लेबर का रिक्वायरमेंट निकालना है तो उसका मंथ वाइज कितना मैन पावर लगेगा, कितना लेबर लगेगा, उसका एक चार्ट या फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, जिससे मंथ वाइज क्वांटिटी प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे कोई प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसको हर मंथ में कौन से क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो उस क्वांटिटी को कितने लेबर लगने वाले हैं, तो उसका लेबर का आउटपुट निकाल, आउटपुट के हिसाब से वो नंबर ऑफ लेबर्स निकालना है। अभी लेबर का आउटपुट कैसे निकालना है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है थंब रूल्स के अंदर, लेबर प्रोडक्टिविटी, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। तो लेबर का आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, जैसे 2 साल का प्रोजेक्ट है और मंथ वाइज हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो पर मंथ 30 दिन का महीना कंसिडर करना है, 4 डेज संडे कंसिडर करके 26 डेज का वर्किंग कंसिडर करना है। तो उस हिसाब से 26 डेज में कितना वर्किंग होता है पर डे, लेबर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लेबर का आउटपुट निकालना है। तो इस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से लेबर आउटपुट के हिसाब से टोटल कितना लेबर लगता है उसका एक डाटा शीट बनाएंगे। जैसे मंथ वाइज 1, 2, 3, 4 ऐसा मंथ, इसमें फर्स्ट मंथ में कितना लेबर, सेकंड मंथ में कितना लेबर, ऐसा पूरा एक डाटा शीट बनाएंगे। और वो डाटा शीट बनाने के बाद में हम लोग एक्सेल में जाके इंसर्ट ऑप्शन में है, इंसर्ट ऑप्शन में जाके चार्ट में जाना है। अब चार्ट आप ओपन करेंगे तो वहां आपको ये हिस्टोग्राम या फिर चार्ट्स दिखेंगे, तो वहां आपको सिलेक्ट करेंगे वो हिस्टोग्राम, ये अपने आप आपको वहां तैयार दिखेगा। तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम देखेंगे ये कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, आज हम लेबर प्रोडक्टिविटी विद हिस्टोग्राम ये चैप्टर देखने वाले हैं। जैसे हमने थंब रूल्स में देखा कि लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर लोग अपने 8 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं पर यूनिट, इसके बारे में हमने देखा थंब रूल्स में। अब ये जो लेबर प्रोडक्टिविटी हमने उधर निकाला उसका इस्तेमाल किधर किधर हम लोग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसका इस्तेमाल हम लोग प्लानिंग में कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते समय हम लोगों को कितने लेबर चाहिए, कब कब चाहिए, उसके हिसाब से उसके लिए हमको लेबर प्रोडक्टिविटी की जरूरत होती है। उसके बाद हिस्टोग्राम निकालना है, उसके हिसाब से पर मंथ कितना लेबर लगेगा, कितना नंबर्स लगेगा, उसके लिए भी हम लोगों को लेबर प्रोडक्टिविटी की जरूरत होती है। मैंने एक सैंपल शीट इधर शेयर किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेबर रिसोर्सेस, मैन पावर, यूनिट, प्रोडक्टिविटी पर डे और रिमार्क्स। कारपेंटर्स कन्वेंशनल शटरिंग के लिए पर हेड कितना 4 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, बायबन के लिए 5 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, फिटर रीबार में 200 केजी या 0.2 मेट्रिक टन कर सकते हैं, फिटर स्ट्रक्चरल स्टील में 0.15 मेट्रिक टन कर सकते हैं, मेसन 10 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट कर सकते हैं, मेसन ब्रिक वर्क 10 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, मेसन प्लास्टर 10 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, मेसन वाटरप्रूफिंग 4 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं। इसमें मेसन का जैसे गैंग दिया है 1 मेसन + 2 हेल्पर, 1 मेसन + 2 हेल्पर, मेसन पीओपी 5 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, 1 मेसन + 2 हेल्पर, मेसन जिप्सम 3 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, 1 मेसन + 2 हेल्पर, मेसन पेंटिंग या फिर पेंटिंग करने वाले 5 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, 1 स्क्वायर मीटर + 2 हेल्पर, फ्लोरिंग वाले 5 स्क्वायर मीटर कर सकते हैं, 1 मेसन + 2 हेल्पर। अभी ये सब का हम लोग कहाँ यूज करते रहते हैं, जैसे अभी इधर एक प्रोजेक्ट का मैं ये शेयर किया, ये देखिए कोई बिल्डिंग का हम लोग पूरा मैन पावर इधर लिखा हुआ है, ये मंथ्स है पूरे और वर्किंग डेज टोटल मंथ 16, ये क्वांटिटी है प्रोजेक्ट की, मंथ्स है टोटल 16 कंसिडर किए हैं, 1 महीने में 26 दिन का वर्किंग पकड़ा है और प्रोडक्टिविटी पिछले हिसाब से 4 कंसिडर किया है। अभी ये जनवरी 17 से मान लो प्रोजेक्ट चालू हुआ, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्कर्स कैसे निकालेंगे। अभी ये देखिए C7 मतलब टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय D7, टोटल डिवाइडेड बाय कितना मंथ्स डिवाइडेड बाय E7 मतलब
कितना डेज और डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी F7 इनटू 0.5, मतलब ये महीने में हम लोग आधा ही लेने वाले हैं, इसलिए 15 दिन के बाद ही काम चालू होने वाला है, इसलिए इसको आधा लिया तो 21 आ गया। इसके लिए सेम ऐसा ही है, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी इनटू फुल मंथ, इसलिए 42 आ गया। इस हिसाब से हम लोग टोटल मंथली कितना वर्कर्स लगते हैं क्या डिटेल निकाल सकते हैं। ये सब मैन पावर है, ये मंथ्स है और ये क्वांटिटी है मंथ्स, वर्किंग डेज पर मंथ, प्रोडक्टिविटी। इस हिसाब से टोटल देखिए अभी इधर टोटल आ गया, दिसंबर में 20 लगने वाला है, जनवरी में 66 लगने वाला है, फरवरी में 112, मार्च में 130, ऐसे हम टोटल वर्कर्स निकाल सकते हैं। और ये इसका शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से, जैसे कौन से महीने में कितना लेबर लगा, ये M1 पहले महीने में 10 लगा, दूसरे महीने में 56, तीसरे महीने में 102, चौथे महीने में 120, इस हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं। और इसी हिसाब से अपना हिस्टोग्राम भी रहता है, जैसे इधर देख सकते हैं नंबर ऑफ लेबर्स 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, और इधर है कारपेंटर, फिटर, मशीनरी, मेसन, अनस्किल्ड मेसन, फिनिशिंग, मतलब M1, M2, M3, ये टोटल 24 मंथ्स में कितना लगने वाला है, और ये मंथ के हिसाब से टोटल कितना है, और ये टोटल अपना नंबर ऑफ लेबर्स कितना, तो इस हिसाब से ये हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ये जस्ट एक आपको रेफरेंस के लिए दिया है कि लेबर प्रोडक्टिविटी का हम लोगों कहाँ यूज कर सकते हैं। मेनली इसके लिए प्लानिंग करना प्रॉपर जरूरी है कि कितना महीने में प्रोजेक्ट खत्म करना है, कितना करना है, फिर उसके बाद हमको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लेबर निकाल सकते हैं। इसे समझने के लिए आसान है। तो दोस्तों ये रहा अपना आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है तो साइड का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और मेरे सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।